अनंतपुर के नजदीक निमहिया नामक गांव में जग्गी, कालू और गोलू नाम के तीन लड़के रहते थे। शहर की भागदौड़ से कोसों दूर घनघोर जंगल को पार करते हुए गांव तक पहुंचने की पगडंडी जाती थी। जग्गी गांव में एक कुम्हार का बेटा था, जबकि गोलू के पैदा होने के 3 साल बाद उसके माता पिता बकरी चराते वक्त जानवर के हमले से गुजर गए थे। तब अनाथ हो चुके 3 साल के गोलू को कालू के घर वालों ने पाला था, जो कि गांव के ही जमींदार का बेटा था। बड़ा होने पर गोलू बकरियों को संभालने लगा और अपने माता पिता के बनाए झोपड़े में वापस रहने लगा। अंधेरा होने से पहले ही खाना बनाकर रख लेता हूँ, वरना दिक्कत हो जाएगी। बचपन से ही जग्गी अपने पिता के साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में उनका सहयोग करता आया था। साथ ही उसने अपने पिता से बर्तन बनाना भी सीख लिया था। पिताजी, देखिए तो जरा, ये सही बनी है ना? हाँ बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तू तो बहुत खूबसूरत बर्तन बनाता है। जग्गी, तेरे हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन लोहे की तरह इतने सख्त बनते हैं कि कितनी भी ऊंचाई से गिर जाएं पर टूटते नहीं है। हाँ, ये तो तुझे वरदान है भैया, वरदान। जग्गी के हाथ में ऐसा क्या जादू था, ये तो जग्गी भी नहीं जानता था। पर उसके इस जादू से वो अच्छे खासे बर्तन का व्यापार कर लेता था। अरे जग्गी बेटा, पता है कल मेरे मुन्ना ने गुस्से में मटकी को जमीन पर फेंक दिया। मुझे तो लगा मटकी टूट गई होगी, मगर मटकी तो एकदम सही सलामत थी भाई। फिर याद आया, ये मटकी तो तूने बनाई है। ए भाई, इतनी जल्दी कैसे टूटेगी? धन्यवाद चाचा जी, वैसे कुछ और चाहिए होगा तो बताइएगा। हाँ हाँ, जरूर जरूर भैया, जरूर बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। गांव में बेहद शांति रहती थी। गोलू अपने माता पिता की ही तरह जंगलों में अपनी बकरियों को चराने लेकर जाता था। ए, चल, 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 इधर चल, उधर कहाँ जा रही है? गोलू जानवर की दहाड़ को कोसों दूर से सुनकर महसूस कर सकता था। बकरियां चराते हुए गोलू को बहुत दूर से बाघ के दौड़ने की आवाज आ जाती। अरे, ये बाघ तो दौड़ता हुआ हमारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी बकरियों को लेकर यहाँ से भागना होगा। तुरंत गोलू अपनी बकरियों को लेकर घर वापस आता। इस तरह गोलू ने अपनी बकरियों को उस बाघ के हमले से बचा लिया। बाप रे, आज तो बाल बाल बच गया। कालू गांव के जमींदार का बेटा था, इसलिए गांव में उसे हर कोई पहचानता था और उसकी किसी भी शरारत पर उसे माफ कर दिया जाता था। भाई, तू फिर आम तोड़ने आ गया, कोई देख लेगा तो बहुत सुनाएगा। आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, थोड़े आम तो तोड़ लूं। बचपन से ही कालू के पैरों में एक ऐसी पकड़ बनी हुई थी जिसकी बदौलत वह मिनटों में ऊंचे से ऊंचे पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ लाता था। भाई जल्दी नीचे आ, कोई आ रहा है। कालू फटाक से पेड़ के नीचे उतरता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। निमहिया गांव घनघोर जंगल के करीब था, इस वजह से खतरनाक जंगली जानवर अक्सर गांव तक आ जाया करते थे। लेकिन काफी हफ्तों से कोई भी जंगली जानवरों के दिखाई देने की खबर नहीं सुनाई दे रही थी। इन बकरियों को घुमा कर लाता हूँ, वरना चैन से बैठने भी नहीं देंगी। चल अब चुप हो जा, लेकर चल रहा हूँ। बकरियां चराते हुए गोलू को एक मरे हुए हाथी का शव जंगल में नजर आया, जिस पर काफी बड़े और धारदार पंजे के निशान थे। अरे, इतनी बेरहमी से किसने इस हाथी को मारा है? इसके शरीर पर जैसे निशान है, उससे तो यही लग रहा है कि जैसे ये किसी जानवर के पंजे के निशान नहीं, जरूर कोई और बात है। गोलू ने आवाज महसूस करने की कोशिश की तो उसे दूर पहाड़ों के पास से रहस्यमय आवाज सुनाई दी। गोलू को होने वाली किसी अनहोनी का एहसास हो गया था। वो दौड़कर वापस गांव की तरफ भागा और सीधा कालू के पास आया। भाई, गजब की कयामत देखकर आ रहा हूँ, मरे हुए हाथी पर बड़े से पंजे के निशान है, जो किसी जानवर के भी नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पहाड़ जैसा इंसान उस हाथी की अंतड़ियां नोच दिया है। क्या, तुझे ये सब कैसे मालूम कि वो निशान किसी जंगली जानवर के नहीं है बल्कि इंसान के हैं? भाई, मैंने अपने कानों से उस आवाज को सुनकर महसूस किया है। कालू जानता था कि गोलू की सुनने की शक्ति कभी धोखा नहीं खा सकती।
अच्छा ऐसा है, फिर चलो चलकर देखते हैं। अभी इस वक्त ही थोड़ी देर में सूरज डूब जाएगा। कुछ नहीं होगा, चलो चलते हैं, देखकर आते हैं, डरने से कुछ नहीं होने वाला। जंगल घना था, इस वजह से दूर तक देख पाना संभव नहीं था, पर नदी के पास ही एक ऊंचा शीशम का पेड़ था जो पहाड़ के उस चोटी से लगा हुआ था, जिसके ठीक दूसरी तरफ के पहाड़ों से वो रहस्यमयी आवाजें आ रही थीं। इस पर चढ़कर देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दूसरी तरफ वाली पहाड़ी पर क्या चल रहा है। देखूंगा, कहिए कालू भाई, आप ही हो हनुमान, हमने पेड़ों पर चढ़कर आम नहीं तोड़े हैं कभी। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। कालू तुरंत ही पूरी फुर्ती से शीशम से होते हुए पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। चोटी पर चढ़ते ही कालू की आंखें खुलकर भौंचक्की रह गईं। भाई सच में कयामत आने वाली है, ऐसा क्या देख लिया दूसरी तरफ? एक पहाड़ जैसा वन राक्षस अजगर नोच कर खा रहा है दूसरी वाली पहाड़ी पर। मैंने पहले ही बताया था उस आवाज के बारे में। चलो अब वापस चलो, गांव वालों को बताते हैं। जंगल से गांव की तरफ वापस जाते वक्त पूरा अंधेरा हो चुका था। गांव तक ले जाने वाली पगडंडियां ठीक से दिखाई देना बंद हो गई थीं। अचानक ही कालू और गोलू रास्ता भटक गए। भाई अंधेरा हो गया है और रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ भाई, मुझे भी ये पगडंडियां अनजानी सी लग रही हैं। लग रहा है हम रास्ता भटक गए हैं। दोनों अपनी जगह पर रुककर इधर उधर देखने लगे, तभी अचानक उन्हें रोशनी दिखाई पड़ी। भाई उस तरफ देखो, रोशनी सी नजर आ रही है, चलो वहाँ लग रहा है कोई है, उससे मदद मांगते हैं। हाँ चलो चलो उस तरफ चलो। रोशनी दोनों को जंगल में एक झोपड़ी तक ले गई, जहाँ उन्हें एक वृद्ध फकीर नजर आए। आओ बच्चों, मैंने ही तुम्हारा रास्ता बदला है यहाँ तक लाने के लिए। कालू और गोलू उस बूढ़े फकीर को देख हैरान रह गए। घबराओ मत बच्चों, सब नियति का लिखा हुआ है, मेरा यहाँ आना और तुम दोनों को यहाँ बुलाना, बस मुझे इतना बताओ कि तुमने पहाड़ी पर क्या देखा। कालू और गोलू ये समझ चुके थे कि इस फकीर बाबा से उस वन राक्षस का जरूर कोई संबंध है। कालू और गोलू ने पूरी कहानी उस फकीर को बताई। मुझे सब मालूम है बच्चों, वो मेरी ही शक्तियों से बनाई हुई औलाद है, और जल्दी ही उसे खत्म नहीं किया गया तो वो इस जंगल के जानवरों के साथ साथ आसपास के सारे गांव और शहरों का सर्वनाश कर देगा। तो इसमें आपने हमें क्यों बुलाया है बाबा, और हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? तुम दोनों नहीं, तुम तीनों ही इस वन राक्षस को खत्म कर सकते हो। लेकिन बाबा हम तो दो हैं, ये तीसरा कौन है बाबा? तीसरा तुम्हें तुम्हारे निमहिया गांव में ही मिल जाएगा, जाओ जाकर खोज करो उसकी। उस वन राक्षस को खत्म करने का उपाय क्या है? बाबा ने एक पोटली में मिट्टी उन्हें दी। वो किसी भी खंजर या तलवार से नहीं मरने वाला, उस वन राक्षस के माथे पर एक छेद है जिसमें इस मिट्टी से बना हुआ खंजर खोपना होगा, उसके अंत का एकमात्र उपाय यही है। बाबा ने कालू और गोलू को उनके गांव तक पहुंचने का रास्ता दिखलाया, और दोनों ये सोचते हुए अपने गांव पहुंच गए कि आखिर वो तीसरा कौन है जो उस वन राक्षस को मारने में हमारी मदद करेगा। सोचते सोचते दोनों निमहिया गांव पहुंच गए। भाई मुझे नींद तो नहीं आने वाली है आज रात। हाँ भाई चलो मंदिर पर बैठकर इस मसले का कुछ हल निकालने की कोशिश करते हैं। रात काफी हो चुकी थी, मंदिर के पुजारी को मंदिर के पास किसी के होने की भनक लगी, और नजदीक जाकर देखा तो गोलू और कालू उन्हें बैठे हुए मिले। बच्चों यहाँ क्या कर रहे हो? गोलू ने पुजारी के आगे पहाड़ी से लेकर फकीर की बात बताई, साथ ही उस फकीर बाबा द्वारा दी गई मिट्टी को भी पुजारी के सामने रख दिया। गांव के कुम्हार का बेटा जग्गी बड़े ही मजबूत बर्तन बनाता है, उसके बनाए हुए मटके ऊंचाई से गिरने पर भी नहीं टूटते। भगवान जाने कौन सी शक्ति है उसके हाथों में जो मिट्टी भी लोहे की तरह सख्त बना देता है। आप कहना क्या चाहते हैं पुजारी जी? जाओ उस कुम्हार के बेटे जग्गी से इस मिट्टी का एक धारदार चाकू बनवा लो, जिसकी नोक इतनी तेज हो कि पहले ही वार में वो वन राक्षस अचेत हो जाए
उस तक तो मैं पहाड़ी चढ़कर पहुंच जाऊंगा, पर अगर वो मुझ पर हमला कर देगा तो मैं खुद मारा जाऊंगा। अगर वो हाथी जैसे जानवर को मार कर खत्म कर रहा है, मतलब वो दिन में जागता है, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो रात में अपनी थकान मिटाने को सोता जरूर होगा। आधी रात में उस वन राक्षस को मारने की कोशिश की जा सकती है। कालू और गोलू को जंगल के फकीर बाबा के बतलाए उस तीसरे इंसान का भी पता चल चुका था। दोनों ने रात में ही जग्गी के पास पहुंचकर उसे पूरी बात बताई और उसे फकीर बाबा के दिए हुए मिट्टी का हथियार बनाने को राजी किया। भाई, बना लूंगा मैं हथियार, पर इसे सूखने में कल दोपहर हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे भी हम दोनों कल रात में जाएंगे। दोनों नहीं, तीनों, मैं आप दोनों के साथ चलूंगा, ये गांव मेरा भी है। दोनों ने दो से भले तीन मानकर जग्गी को भी अपनी इस मुहिम में साथ ले लिया। अगली रात पहाड़ी के नजदीक पहुंचते ही गोलू ने वन राक्षस के खर्राटों की आवाज को महसूस कर लिया। 24 घंटे में सूखकर सख्त मिट्टी का हथियार भी तैयार हो चुका था। कालू ने हिम्मत करके वन राक्षस की पहाड़ी पर पेड़ों के सहारे चढ़ाई कर दी। भाई, मैं चलूंगा पहाड़ी पर, तुम अकेले मत जाओ। हाँ भाई, हम दोनों आ रहे हैं, तुम दोनों चढ़ कैसे पाओगे इस पहाड़ी पर, यहीं नीचे इंतजार करो, तुम रास्ता दिखा दो, हम चढ़ जाएंगे। ठीक है, मेरे पीछे पीछे आओ और आराम से, पैर ना फिसले। तीनों किसी तरह कालू की मदद से पहाड़ी पर चढ़ गए। वन राक्षस सो रहा था, पर अचानक उसके खर्राटों का शोर थम गया। छिप जाओ, वो जागने वाला है, इधर आ जाओ, इस पत्थर के पीछे से नहीं देख पाएगा वो। वन राक्षस को इंसानी महक आ गई थी। सुनो, एक तरीका है मेरे पास, मैं वन राक्षस का ध्यान अपनी तरफ उलझाऊंगा, तुम दोनों पीछे से उस पर हमला कर देना। भाई, खतरा है, उस वन राक्षस से बड़ा और क्या खतरा हो सकता है, जान बचानी है तो चलो कोशिश करो। चलो भाई, ध्यान से। कालू अचानक से पहाड़ी के कोने में जाकर राक्षस के सामने खड़ा हो गया। ओए वन राक्षस, हुर, इधर देख जरा। वन राक्षस गुस्से से भागते हुए कालू की तरफ झपटा। जैसे ही वन राक्षस कालू के नजदीक जाकर उस पर झपटा, कालू पहाड़ी के कोने में लटकी पेड़ों की बेल के सहारे कूदकर दूसरे पेड़ पर चला गया। भारी शरीर के साथ वन राक्षस हवा में खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। गोलू, राक्षस को धक्का दो। जग्गी, राक्षस को धक्का दो। भाग जग्गी, राक्षस को ढकेलना है, दौड़ो, अभी वो खुद को संभाल रहा है, अच्छा मौका है। गोलू और जग्गी ने एक साथ पूरे जोर के साथ अपना दम लगाकर राक्षस के ऊपर कूदकर धक्का दिया। राक्षस पहाड़ी से गिरते हुए दो पेड़ों के बीच आकर फंस गया। अगल बगल पहाड़ी के बने गड्ढे थे, जिस वजह से राक्षस हिल भी नहीं पा रहा था। कालू, ये लो जादुई मिट्टी का खंजर, वन राक्षस के माथे में मार दो, लाओ जल्दी दो। कालू ने फकीर बाबा के बताए अनुसार उस राक्षस के माथे पर बने छेद पर पूरी तेजी से हमला किया। वन राक्षस वहीं पेड़ों के बीच अचेत हो गया। जोरदार बरसात शुरू हो गई। वन राक्षस के माथे पर गड़ा हुआ मिट्टी का हथियार वहीं घुल गया और वन राक्षस का अंत हुआ। इस तरह जग्गी, गोलू और कालू को मिली प्राकृतिक शक्तियों की बदौलत निमहिया गांव और जंगल की रक्षा हुई।